वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के लॉन्ग मार्च के दौरान फायरिंग के वाक़े में जख्मी अरीब के घर आमद नन्हे अरीब शकील की अयादत की और कहा इमरान खान के खसूसी हिदायत पर अरीब की अयादत को आई हूँ। बच्चे की सेहतियाब होते ही इमरान खान से मुलाकात कराई जाएगी। पंजाब हुकूमत जख्मी बच्चे को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम कर रही है। इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR हमारा आईनी हक है। लॉन्ग मार्च दिन की रोशनी में कर रहे हैं ताकि मुखालिफिन की आँखें खुल जाएँ। बच्चे की मेडिकल क्योंकि इसका सारा इलाज जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गुजरावा था। यह वह मेडिकल लीगल करे असल में तो उन लोगों ने बहाया है और इमरान खान साहब का बिल्कुल ये सही मौकफ है कि FIR उनकी मर्जी के मुताबिक लिखी जाए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। लॉन्ग मार्च को ये कहते हैं कि कामयाब नहीं है, आगे करें जाके लोगों को गिना करें किस तरह लोग बाहर निकलते हैं। खान साहब ने खास तौर पे कहा था कि दिन के वक्त हम लॉन्ग मार्च करेंगे ताकि लोग देख सके इतना बंदा जो है वो चल रहा है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है इमरान खान के मौके को सही तरीके से समझता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी। बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।